जय हिंद ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। और आज से हम अपना रीजनिंग का जो सिलेबस है, जो हमारा कोर्स है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक जो आपका है, पहला जो आपका चैप्टर है, वो है एनालॉजी। एनालॉजी के लिए हिंदी में जो बोलते हैं, वो बोलते हैं सादृश्य। सादृश्य हिंदी में बोलते हैं ऐसे, ठीक है। जो हमारा रीजनिंग का टारगेट रहेगा वो 10 अप टू 10 रहेगा, ये आप बात ध्यान रखना। इस बार से जो हमारा मतलब रीजनिंग होगी वो बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट होगी, कोई भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। तो मेरे साथ आज सभी लोग क्या सीखेंगे, एनालॉजी सीखेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको 3 से 4 वीडियो में इसकी उतनी गहराई तक मैं आपके लिए एनालॉजी सिखा दूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आएगा वो छूट नहीं सकता 100%। तो एनालॉजी में आप हम बात करते हैं, इसके जो टॉपिक होते हैं एनालॉजी को, जो 4 टॉपिक में बांटा गया है। वैसे इसके 3 टॉपिक हैं, एक जो चौथा टॉपिक है उसे मिक्स्ड एनालॉजी के नाम से रखा गया है। जो पहला टॉपिक मैं यहां पे रखता हूं उसे बोलेंगे वर्ड एनालॉजी। दूसरे टॉपिक के लिए यहां पे रखा गया है जिसका नाम है नंबर एनालॉजी। ठीक है, तीसरे टॉपिक के लिए यहां पे रखा गया है अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी चौथे के लिए रखा गया है मिक्स्ड एनालॉजी। 4 टॉपिक हैं। अब पहली बात मैं कर लेता हूं कि भैया एनालॉजी किसे कहते हैं, आप जरा ध्यान देंगे एनालॉजी किसे कहते हैं। एनालॉजी बोलते हैं आपके लिए सादृश्यता के लिए। अब सादृश्यता क्या होती है उसे स्पष्ट करने के लिए हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक है। यहाँ वर्ड एनालॉजी के बाद में आएंगे नंबर एनालॉजी पे, उसके बाद अल्फाबेट, उसके बाद मिक्स्ड पे, और उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो मैं चलता हूँ पहले वाले टॉपिक पे, पहले वाले टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला वाला टॉपिक है आपका वर्ड एनालॉजी, का मीन्स हो जाता है आपका अक्षर या शब्द जो भी होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, टॉपिक हमारा हो जाएगा वर्ड एनालॉजी, ठीक है। वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी सीखेंगे। वर्ड एनालॉजी में क्या होते हैं, अक्षर्स होते हैं, शब्द होते हैं जैसे, ठीक है। अब वो शब्द क्या करते हैं, सादृश्यता का मीन्स होता है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पे, ज्यादा अच्छे से आएगा मतलब समझ में। यहां पे जैसे मैंने लिख दिया न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के सादृश्यता में मैंने लिखा प्रेस, उसके बाद में मैंने लिखा क्लॉथ, और उसके आगे क्या आना चाहिए, यहां पे ऑप्शन मैंने दे दिए आपके लिए टेलर, ऑप्शन बी दे दिया मैंने फाइबर, ऑप्शन सी दे दिया मैंने मिल, ऑप्शन डी दे दिया मैंने टेक्सटाइल, ठीक है। ये इतने मैंने ऑप्शन दे दिए। अब देखो एनालॉजी किसे कहते हैं, सादृश्यता। ये दो चीजों में आपके लिए ऐसा दृश्य दिखाई देगा जो कि इस शब्द से वही रिलेशन इन 4 ऑप्शन में से आपको निकाल के रखना है सामने, ठीक है। तो इसके बिहाब पे आपके लिए, ये इसके बिहाब पे आपके लिए इसके सामने वाले शब्द का रिजल्ट तय करना है। बिल्कुल सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए रिलेशन में इसका, जो मतलब पीछे वाले का जो भी रिलेशन है वही रिलेशन आगे वाले में होना चाहिए। इसी को हम सादृश्यता कहते हैं। जो हम दृश्य पीछे देख रहे हैं जिस रिलेशन में, वही रिलेशन में हमें आगे दृश्य देखना है। कैसे, न्यूज़पेपर कहाँ छापा जाता है, प्रेस, ठीक है। न्यूज़पेपर कहाँ छापा जाता है, प्रेस में, ठीक है। अब बात आती है क्लॉथ कहाँ बनता है, कपड़ा कहाँ बनता है, टेलर के पास, नहीं, टेलर के पास स्टेचिंग होती है, सिला जाता है। फाइबर, बिल्कुल नहीं, टेक्सटाइल वही होता है। अब बनता कहाँ है, ये मिल में बनता है। कपड़ा कहाँ बनता है मेरे भाइयों, मिल में बनता है। तो इसका जो रिलेशन हो जाएगा वो मिल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पीछे वाले से सेम है रिलेशन, पीछे वाले से क्या है, बिल्कुल सेम है। न्यूज़पेपर बनता है प्रेस में, क्लॉथ तैयार होता है मिल में। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से मतलब आ जाएगा समझ में।
और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है, किस किस चीज़ की हमारे लिए तैयारी करनी। हाँ तो देखो, दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इंडिया, ठीक है, महाराष्ट्र इंडिया। उसके बाद में यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेक्सास, उसके आगे क्या होना चाहिए, ऑप्शन दे रहा हूँ आपके लिए। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है यूएसए, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। इन दो पॉइंटों से आपका रिलेशन बिल्कुल जो दो पॉइंटों में मतलब बरसता है वही होना चाहिए आगे वाले दो पॉइंटों में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, महाराष्ट्र जो है वो स्टेट है, एक स्टेट है कहाँ की है, इंडिया की। महाराष्ट्र जो स्टेट है वो कहाँ की है, इंडिया की है, ठीक है। टेक्सास जो स्टेट है वो मेरे भाइयों यूएसए की है। ये आपके लिए थोड़ी सी जो वर्ड एनालॉजी में चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं वो मैं आपके लिए बता दूंगा, जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। टेक्सास जो है वो आपकी आती है यूएसए की, एक स्टेट है। तो यहां पे हम लिख देंगे यूएसए, ठीक है, यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड एनालॉजी का मींस तो आपको आ गया होगा समझ में, कि जो रिश्ता, जो रिलेशन ये पीछे वाले वर्ड्स में होता है वही मतलब रिश्ता हमें आगे वाले में रखना है, यहाँ पे आगे वाले शब्दों में रखना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें वर्ड एनालॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं जो हमको याद मतलब करनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी स्टेट पूछ लिया हमसे, अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़पेपर के बारे में पूछा था। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम तैयारी मतलब कर लें, कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी, मैं बता देता हूं आपके लिए। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले कंट्री और उनकी कैपिटल, कि भाई देश कौन सा है और उसकी राजधानी क्या है, ठीक है। और एक चीज़ और याद कर लेना है इसमें, उसकी मतलब करेंसी, ये चीज और याद रखना है, ठीक है। नंबर 2 ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन व्यवसाय, और वो कहां किया जाता है, किस स्थान पर किया जाता है, वर्किंग प्लेस, और जॉब की प्रोफाइल, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे लायर होता है, वकील होता है, ठीक है, तो उसका काम कहाँ होता है, कोर्ट में होता है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल क्या है, लीगल प्रैक्टिस करता है, ठीक है, ये है। अब तीसरी वाली बात पे आ जाते हैं, तीसरी वाली चीज़ें आपको क्या क्या याद रखनी है यहाँ पे, जॉब उनका प्लेस कहाँ है, जॉब की प्रोफाइल क्या है। तीसरी चीज़ याद रखनी है स्टेट, स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, और इसकी कैपिटल जो कि मैं याद करवा दूंगा आपके लिए, स्टेट ऑफ इंडिया और उसकी कैपिटल। नंबर 4 मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। अब आप बोलेंगे ये तो सबको पता होता है, मेल और फीमेल वाली बात तो आपको सबको पता होता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे लिए थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है, मैरी मीन्स घोड़ी होती है, ठीक है, इस टाइप से मेल फीमेल। 4 पॉइंट हो गए ये, 4 पॉइंट के बाद में आगे बताता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ पहले मैं। इसमें कौन कौन से एनालॉजी में पॉइंट आपके लिए याद रखने हैं, जिससे कि आपको इस वर्ड एनालॉजी से कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो पाएगा। 5वां पॉइंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 5वां पॉइंट है इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल और क्लास, अकेले या फिर बहुत सारी चीज, ठीक है। जैसे मैन मीन्स क्या होता है, सिंगल आदमी। मैमल, ठीक है, तो जो मैन होता है वो कैसा है, मैमल है वो, ठीक है, बच्चे देने वाला है, ठीक। आगे आगे हम लिख लें नंबर 6 वाले पॉइंट पे, ये एग्जांपल हो गया था, सिक्स वाले पॉइंट पे एनिमल। एनिमल कौन से साउंड निकालते हैं, ठीक है, तो जैसे कैट है आपकी, कैट क्या बोलती है, कैट क्या साउंड निकालती है, म्याऊ बोलती है, कैट बोलती है म्याऊ। तो ये आपके लिए एनिमल्स के जो वॉइस होती है वो भी आपके लिए पता होनी चाहिए, ये भी आ सकता है, ठीक है। नंबर 7 में रखता हूँ मैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में आपके लिए यूनिट, जैसे पावर, पावर मतलब लाइट, तो इसे हम मापते किस में हैं, वाट में मापते हैं। पावर के लिए किस में आंका जाता है, वाट में आंका जाता है, ठीक है। अब 7 पॉइंट हो गए, और कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, मैक्सिमम चीज़ें मैं आपके लिए लिखवा दूंगा, नोट डाउन करवा दूंगा, ठीक है। और 8वां पॉइंट में आ सकता है आपका वर्ड जिनके सिनोनियम्स आपसे पूछ रखे होंगे, सिनोनियम्स आपसे पूछ रखे होंगे, ठीक है। और इसके एंटोनियम्स भी हो सकते हैं, 9 वाले पॉइंट में अगर मैं रखूं तो एंटोनियम्स भी पूछ सकता है, एंटोनियम, ठीक है। और हमसे क्या पूछ सकता है, अभी नंबर 10 में इंडिविजुअल ड्यूलिंग मतलब उनके प्लेस, इंडिविजुअल का ड्यूलिंग मीन्स होता है प्लेस, स्थान। जैसे कि अगर मैं कहूं कि लॉयन, लॉयन कहाँ रहता है, आप सबको पता है, कैब में रहता है, गुफा में रहता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, डैन, ठीक है, क्या बोलते हैं, डैन। लॉयन जो रहता है, शेर जो रहता है, वो कहाँ रहता है, गुफा में रहता है, ठीक है। अब 10 पॉइंट के बाद में 2-4 पॉइंट और रह गए हैं, वो भी मैं आपके लिए लिखवा देता हूँ। ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक बार रीड करनी है और कुछ नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं पूरी एक्सप्लेन के साथ में लिखवाऊंगा, अभी मैं आपके लिए टॉपिक टॉपिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। एंटोनियम्स हो गए। अब इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट या फिर उनकी मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। ट्वेल्व वाला पॉइंट अगर मैं कहूं गेम, तो गेम का प्लेस ऑफ प्लेइंग, प्लेस ऑफ कौन सा गेम कहां खेला जाता है, आपको पता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं बॉक्सिंग, सबको पता है कहां खेला जाता है, रिंग में खेला जाता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं आपसे कि भाई एक्सरसाइज कहाँ की जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए जिम में की जाएगी। ऑक्यूपेशन प्रोडक्ट, ऑक्यूपेशन और उनके प्रोडक्ट, जैसे कि अगर फार्मर है, फार्मर क्या उगाता है, क्रॉप, फसल उगाता है, ठीक है, फार्मर क्या उगाता है, क्रॉप उगाता है। अब 13 पॉइंट हो गए, एक आध पॉइंट और बचा है, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे इसके कुछ अच्छे अच्छे
क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है। 14 पॉइंट में है एनिमल, और जब वो यंग होता है तो उसे क्या बोलते हैं। लाइक एज अगर मैं बोल दूं डॉग, तो डॉग के बच्चे को क्या बोलेंगे, पपी। डॉग के बच्चे को क्या बोलेंगे भाई, पपी बोलते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट लेते हैं हम 15, स्टडी। स्टडी से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं, जैसे कि अगर हम बोल दें, जैसे कि अगर हमारा चैप्टर ही है तो चैप्टर हमारा क्या है, या हमारी सब्जेक्ट क्या है स्टडी में, रीजनिंग। रीजनिंग से जो हमने चैप्टर से जो टॉपिक लिया है वो क्या है हमारा टॉपिक, बर्ड एनालॉजी, ठीक है। अब उसके बाद में अगर बात आ जाती है स्पेशलिस्ट और सब्जेक्ट, तो एक पॉइंट और लिख लेना स्पेशलिस्ट। जैसे मान लो अगर हम स्पेशलिस्ट की बात करते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो हार्ट का होता है, इसी टाइप से जो भी है तो वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा। ये 15 पॉइंट मैंने बताए, इन 15 पॉइंट के अलावा आपका बर्ड एनालॉजी से दुनिया में कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। इन टॉपिकों के अंदर हमें चीज़ों को याद रखना है, जैसे एनिमल और उनकी जब यंग पोजीशन होती है उसे हम क्या बोलेंगे, ऐसे हमसे क्वेश्चन आ जाएगा डॉग पपी। ऐसे ही हमसे अगर कुछ और पूछ लिया, ठीक है, तो उसके बारे में हमें इनके रिलेशन के अकॉर्डिंग उसका सही आंसर आपके लिए देना है। अगर जैसे मान लो यहीं पे पूछ लिया लॉयन, तो आपके लिए बताना है यहाँ पे कि लॉयन के जो छोटा बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं उसे, ठीक है, क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। तो इसके जो बाद में जो वीडियो आएगी, मैं इसके लिए जितने मैंने 15 टॉपिक आपके लिखवाए हैं, पॉइंट लिखवाए हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो सारी की सारी मैं अगली वीडियो में लिखवा दूंगा, जिसमें आपकी जो बर्ड की एनालॉजी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। जय हिंद मेरे भाइयों, देखते रहिए सुपर स्काई क्लासेस, और आप अपने चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपका ही चैनल है, आपके लिए यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारा की सारा पूरा सिलेबस यहां मिल जाएगा। जय हिंद ऑल ऑफ यू।